अस्सलाम वालेकुम आतिन आजाद, कैसे हैं आप सब? मुझे ये वीडियो काफ़ी मैं टाइम से बात सोच रहा था कि मुझे ये वीडियो बनानी थी एक्चुअली, क्योंकि आजकल इस वक्त मैं कतर में बैठा हूँ, तो मुझे ये चीज़ एक गाइडेंस के तौर पे, एक इंफॉर्मेशन के तौर पे मुझे ये बात रिकॉर्ड करनी थी। सारी डिटेल्स काफ़ी लोगों ने डाली हुई है हया कार्ड के ऊपर, और आज क्योंकि दिसंबर 2022 जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और अब टाइम बहुत कम है 18th of December 2022 तक। आज 10th of December 2022 है, इस वक्त मैं भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको बस करना ये है कि आपको ये वीडियो खुद ही देखनी है। आई एम श्योर कि आपको ज़रूर इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिलेगी जो कि आप चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि हमें हया कार्ड के लिए अप्लाई करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी है, वो मैं सब की बात करूंगा। तो हया कार्ड के लिए सबसे पहले आपने अप्लाई करना है, उसके लिए सबसे पहले आपने एक चीज़ को ध्यान में रख लेना है कि हया कार्ड को अप्लाई करने के लिए एक चीज़ मैंडेटरी है, यानी कि एक चीज़ ज़रूरी है कि हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप, जो कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया है फीफा की तरफ से इन कतर, तो आपके पास फीफा वर्ल्ड कप की किसी भी एक मैच की कोई भी एक टिकट कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक हो गया, एक रिक्वायरमेंट तो है कि आपके पास टिकट होनी चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास जो मैच की टिकट नहीं है और कोई ऐसा बंदा हमारा रिलेटिव है या हमें हम उसे जानते हैं जिसके पास मैच की टिकट मौजूद है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमने खुद टिकट खरीदी या हमारे पास टिकट नहीं है, तो कोई ऐसा बंदा हमारा रिलेटिव या दोस्त या कोई भी जिसे हम जानते हैं जिसके पास मैच की टिकट अवेलेबल है, दो चीज़ें होंगी। अब क्योंकि आज 10th of December है, 9th of December कल फर्स्ट क्वार्टर फाइनल हुआ है, पहले दो मैच हुए हैं क्वार्टर फाइनल के, आज 10 है, आज नेक्स्ट दो मैच हैं, सेमीफाइनल है उसके बाद फाइनल है, तो टाइम बहुत कम है। एक्चुअली मैं खुद भी लेट आया हूँ, 28 तारीख को मैं आया था, तो बस मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर अभी भी किसी की हेल्प हो जाए तो वेल एंड गुड है। अब आपने करना ये है, अगर आपको मैच की टिकट मिल रही है, रीसेल लोग रीसेल करते हैं, आप उधर से खरीद सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको डायरेक्टली टिकट मिल जाए तो उधर से आप चेक कर लें, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टिकट आपने खरीद लेनी है, 250, 300, 600 एंड 1000 कतरी रियाल में आपको एक टिकट मिल जाएगी, और अगर आप रीसेल में लेते हो तो जो 600 वाली टिकट है वो आपको मिलेगी 630 की, जो 100 वाली 1000 वाली टिकट है वो आपको मिलेगी 1030 कतरी रियाल में। आपने टिकट ले लेनी है तो आपने उसके बाद हया कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है। हया कार्ड के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने जो लिंक है उसका वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपने काइंडली वो चेक कर लेना है। अब क्योंकि ये तो चले एक केस है कि शायद आपको कोई टिकट अवेलेबल हो जाए, शायद मुझे भी इसका आपका कंफर्म नहीं है, आपको शायद टिकट मिल जाए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो दूसरा रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है कि आपके पास टिकट नहीं है लेकिन अब आप टिकट वाले ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि शायद आपका रिलेटिव है, आपका दोस्त है, कोई भी, जिस बंदे के पास हया कार्ड है उसके पास टिकट है, वो इंसान 3 नॉन टिकटेड पर्सन को इनवाइट कर सकता है हया कार्ड के लिए। एक वाउचर होता है हया कार्ड के अंदर, एक वाउचर होता है नॉन टिकटेड पर्सन के लिए। आपने क्या करना है कि वो वाउचर कोड उस बंदे से ले लेना है, हर एक वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो 3 वाउचर कोड है, आपने 3 वाउचर कोड ले लेने हैं, और 3 ही सॉरी आपको एक ही चाहिए, अगर आप एक अकेला बंदा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो वाउचर कोड ले लेना है। वाउचर कोड लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अप्लाई करना है हया कार्ड के लिए। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है कि जब आप वाउचर कोड यूज़ करके हया कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास उसके लिए 500 कतरी रियाल फीस है जो कि आपको देना पड़ेगी। ये कंपलसरी चीज़ है, मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है, हम इसके बगैर फिर अप्लाई नहीं कर सकते। हया कार्ड एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम डिफरेंट गल्फ कंट्रीज़ में जा सकते हैं। आई एम श्योर कि हया कार्ड को कैसे अप्लाई करना है या जो भी चीज़ें जो एक इंफॉर्मेशन थी जो एक डिफिकल्टी थी कि हम लोग कैसे टिकट्स परचेज कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक सेकेंड वे बता दिया है कि ठीक है हमें टिकट नहीं मिली है तो आप इस तरीके के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं इधर कतर मुझे आना था फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए, तो मुझे भी सबसे पहले यही बात पता चली कि भाई टिकट्स तो सब सोल्ड हो चुकी हैं, सब बिक चुकी थी, तो
मुझे तो दूसरा रास्ता देखना पड़ा कि भाई मैं कैसे अब हया कार्ड के लिए अप्लाई करूं। तो जब मुझे पता चला तो मुझे ये भी ऑप्शन मिला। हालांकि मुझे फिर ऐसा कोई इंसान नहीं भी मिला था कि जिसके जरिए मैं ये वाउचर कोर्स ले सकता, लेकिन मेरे केस में ये चीज़ थी कि मेरा कोई भी ऐसा दोस्त जो कि फुटबॉल का लवर हो वैसा नहीं था, तो बस इसलिए। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देख ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो टिकट है वो परचेज कर ली है, नहीं तो आपने वाउचर की तरफ चलना है। दो चीज़ों की टिकट अब आपको मिल गई है या वाउचर कोड आपको मिल गया है, अब आपको होटल की रिजर्वेशन करवानी है। होटल की जो रिजर्वेशन है वो आप डिफरेंट वेबसाइट से आप उनसे कर सकते हैं, जो कि जो भी आपको फिजिबल हो या फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके लिए कोई पैसे रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। booking.com से आप इसकी रिजर्वेशन कर सकते हैं, agoda.com से आप इसकी रिजर्वेशन कर सकते हैं। बस उधर एक ऑप्शन होता है कि बुक विदाउट ए क्रेडिट कार्ड, तो बस आप उस पर क्लिक करना है। वो बुक विदाउट ए क्रेडिट कार्ड के जितने भी होटल्स अवेलेबल होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, उनको आपने बुक कर लेना है। वो बुकिंग आपको हया कार्ड में उधर अकोमोडेशन में डालनी पड़ेगी, क्योंकि हया कार्ड की जो सर्विसेज हैं अकोमोडेशन के लिहाज से वो सब की सब फुल हो चुकी हैं, और आपको वो अगर लेनी है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा उनको, जो कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे हम लोग उस चीज़ को नहीं इतना यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। हया कार्ड आपने ले लिया, नाउ यू आर गुड टू गो विद कतर। अब आप कतर आ सकते हैं, आप सऊदी अरब आ सकते हैं, आप उमरा कर सककते हैं, आप दुबई का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 3 मंथ्स के लिए वैलिड होगा विजिट वीज़ा, और मल्टीपल कंट्री वीज़ा है ये वाला, जो हया कार्ड की बेसिस पे आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलता है दुबई के लिए। आप ओमान जा सकते हैं, तो ये काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। लोग इधर आ रहे हैं, और इस पर मैं इसके ऊपर एक, क्योंकि मैं इससे छोटी सी थोड़ी बातें आपको बता रही हैं, होपफुली के एक हया कार्ड के रिलेटेड जो एक बात थी जो कि मुश्किल थी कि टिकट कैसे मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टिकट लें, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आप लोग नॉन टिकटेड पर्सन की तरफ भी जा सकते हैं। तो आई एम डैम श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव थी, और आप इसको ज़रूर यूटिलाइज कीजिए। आप अपने पासपोर्ट, अगर आप पासपोर्ट आपके पास है तो आप लोग आ सकते हैं, आप अपने वालदैन को साथ लेके आ सकते हैं, आप लोग उमरा कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली पहले कतर आए और कतर के बाद हम सऊदी अरब जाएँ, आप डायरेक्ट पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, क्योंकि यहाँ इधर नेपाली बहुत सारे हैं, मैं इसी लिए ले रहा हूँ। तो आप लोग जो हैं डायरेक्टली उधर से अप्लाई कर सकते हैं, सऊदी अरब के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, दुबई के लिए अगर आपके पास वीज़ा है। वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा सऊदी अरब का, दुबई का, ओमान का सेपरेटली, लेकिन उसकी वो हया कार्ड की बेसिस पे आपको इजीली मिल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात से कितनी सी है, आई एम श्योर कि ये आप लोगों को बात मेरी समझ आ गई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।